सम्मानित शिक्षक साथियों, HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में गतिमान है, जो हर एक राज्य में, किसी राज्य में मॉड्यूल 1 चल रहा है, किसी मॉड्यूल 2, किसी राज्य में मॉड्यूल 3 चल रहा है। इस प्रकार से अल्टरनेट कहीं ना कहीं कोई ना कोई मॉड्यूल चल रहा है। इस प्रकार से ये मॉड्यूल 5 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और आकलन में ICT का समाकलन, इस मॉड्यूल पर गतिविधि आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो के अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो शुरू करते हैं। डिजिटल समाचार पत्र गैर उदाहरण और उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें से डिजिटल समाचार पत्र किस में आता है, गैर उदाहरण में है ICT के अंतर्गत या उदाहरण में है, तो इसके बारे में आपको आगे कंटिन्यू जाए। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिनमें से ICT के उदाहरण और गैर उदाहरण के रूप में चुनना है। जैसे डिजिटल समाचार पत्र गैर उदाहरण के उसमें आता है या उदाहरण के रूप में आता है, यह डिजिटल समाचार पत्र उदाहरण के रूप में आता है। क्यों? क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन न्यूज़पेपर के अंतर्गत आता है, जहां पर हम अपने विचार रख सकते हैं और दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार से यह उदाहरण करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन। टेलीफोन उदाहरण और गैर उदाहरण, इन दोनों में से टेलीफोनिक क्रिया क्या है? यहाँ पर ICT के अंतर्गत इसमें नहीं आता है। क्यों? क्योंकि टेलीफोन पर हम कुछ लिखित सूचनाएं नहीं दर्ज कर सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन होता है। किसका? साउंड्स का, आपसी बातचीत का। इसलिए यह गैर उदाहरण में आएगा। इसका आंसर बी करेक्ट होगा, गैर उदाहरण। अगला साथियों, स्मार्ट टीवी जैसे नाम आप सुन रहे हैं, उदाहरण गैर उदाहरण। जैसा कि स्मार्ट टीवी के अंतर्गत आजकल अच्छी फैसिलिटीज आ गई हैं, उसमें से आप पेन ड्राइव के माध्यम से कुछ भी उसके अंदर अपलोड कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन आप एज ए कंप्यूटर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से स्मार्ट टीवी आपका उदाहरण में ICT के आएगा। अगला रेडियो। रेडियो प्रसारण केंद्रों के द्वारा जैसे उदाहरण और गैर उदाहरण के बारे में बात करते हैं, तो रेडियो किसका माध्यम है, ICT का माध्यम है या नहीं है, उसका किसका उदाहरण है? रेडियो में भी वही प्रोसेस है जैसा कि अभी हमने टेलीफोन की बात किया था, उसी प्रकार से रेडियो में हम सुन तो लेते हैं लेकिन अपने विचार नहीं भेज पाते हैं रेडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर रेडियो गैर उदाहरण में ICT के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन बी गैर उदाहरण करेक्ट होगा। यहाँ पर क्लिक नहीं हो पाया था तो ये गैर उदाहरण में आप टिक कर लीजिएगा रेडियो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल। जैसे भी आपने सुना होगा ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। यहाँ पर ईमेल के माध्यम से जैसे हम अपने सूचनाएं दूसरों को पहुंचाते हैं लिख करके, है ना, किसी भी पत्र के माध्यम से भी हम मेल के माध्यम से पहुंचाते हैं, तो ये ICT के अंतर्गत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गैर उदाहरण है या उदाहरण में से दो ऑप्शन दिए गए हैं, जो उदाहरण में करेक्ट होगा। ईमेल हमारा ICT का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमेट्रिक सिस्टम। जैसा कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में या अन्य विभागों में भी ज़्यादा प्रचलन में यह शब्द चल रहा है कि यह आने वाले समय में बायोमेट्रिक सिस्टम हर एक विद्यालय में लगेगा, जिसके माध्यम से अटेंडेंस IBRS में दर्ज की जाएगी, इस सिस्टम के द्वारा उपस्थिति ली जाएगी। तो यहाँ पर गैर उदाहरण और उदाहरण की बात ICT में हो रही है, तो बायोमेट्रिक हमारा ICT के अंतर्गत आता है, उदाहरण है, ताकि उस पर हम कमांड देते हैं तब जा करके वो अपना रिप्लाई देता है कि कितनी अटेंडेंस हुई या नहीं हुई। इस प्रकार से ये बायोमेट्रिक हमारा उदाहरण के उसमें ICT के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रित पाठ्य पुस्तक उदाहरण और गैर उदाहरण में से ICT के अंतर्गत क्या है। तो मुद्रित पाठ्य पुस्तक, जैसे हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, उन पाठ्य पुस्तकों में हम अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकते हैं, सिर्फ उनका क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर नहीं कर सकते हैं, ताकि वो मुद्रित पहले से हैं, इसलिए यह ICT के अंतर्गत नहीं आएगा, यह गैर उदाहरण के अंतर्गत साथियों आएगा। ये हमने ICT के उदाहरण और गैर उदाहरण के बारे में इन प्रश्नों के माध्यम से देखा। अब हमने ये जब सबमिट किया सारे क्वेश्चनों को, तो यहाँ पर स्कोर शो करता है 7/7, मतलब 7 में से 7 जवाब हमने करेक्ट दिया। तो यह गतिविधि 2 पर आधारित ICT समाकलन पर यह प्रश्नोत्तरी थी। तो साथियों, यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साथियों पर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि नए अपडेट्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।